कश्मीरी टाइप में तुम्हें काफी सारे अलग अलग टाइपिंग के पोकेमॉन देखने को मिलने वाले हैं जो तुमने कभी भी नहीं देखे होंगे। इसमें 15 प्लस टाइपिंग के पोकेमॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे और गाइस ये गेम काफी बढ़िया है। इसमें तुम्हें गाइस ऐसी ऐसी टाइपिंग के पोकेमॉन देखने को मिलने वाले हैं जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, कभी सुने भी नहीं होंगे उनके बारे में। और इसमें गाइस गेमर टाइप है, बोरिंग टाइप है और मतलब क्या क्या टाइपिंग है मैं क्या बताऊँ, जैसे कि मैजिक टाइप और भी काफी सारी टाइपिंग है जो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने इस गेम को कभी खेला भी नहीं। मैंने बस थोड़ी वो टाइपिंग देखी थी बस गेम खेलते हुए, बस गाइस मुझे इतना ही पता है कि इसमें काफ़ी सारी अलग अलग टाइपिंग के पोकेमॉन मिलने वाले हैं और काफ़ी बढ़िया गेम है। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस इसमें जो तुम्हें स्टार्टअप मिलने वाले हैं वो पोकेमॉन एमरल्ड के नहीं होने वाले, इसमें काफ़ी अलग अलग रीजन के तुम्हें स्टार्टअप मिलने वाले हैं तो काफ़ी मजा आएगी। लेट्स गो गाइस खेलते हैं इस गेम को, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो गाइस सबसे पहले तो हमें अपने कैरेक्टर का नाम रखना होगा और मैं फीमेल कैरेक्टर चूज कर रहा हूँ इस बार। मैं इसका नाम रखने वाला हूँ रीका और काफ़ी बढ़िया नाम गाइस, पता नहीं कैसी अचानक से मतलब मेरे दिमाग में आ गया। तो या रीका रखने वाला हूँ इसका नाम, काफ़ी बढ़िया ऑसम। ओके आर यू रेडी? यस आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, तुम्हें क्या पता। चलो गाइस स्टार्ट हो गया गेम। ओ या मेरे के घर में हम मतलब मेरा ही घर है आखिरकार, मैं मे जो हूँ। इसमें कुछ है क्या? रीका स्पीसी पोशन तो है वैसे, बढ़िया। चलो एक बार मैप देख लेता हूँ, मैप तो वैसे Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. तो गाइस हमें कहाँ जाना होता है वैसे? तो डायरेक्ट हमें जाना होता है यहाँ पर। या ऑफकोर्स इसमें भी यही चीज़ होती है, अपने प्रोफेसर के पीछे ये कुत्ता पड़ा है तो अभी कुत्ते से डरते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो क्या करें अभी, मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। प्रोफेसर मैं आ रहा हूँ, सॉरी मैं आ रही हूँ जल्दी से। तो क्या यहाँ पर है? सी लायन पोकेमॉन पोपोलियन पिपलोन, सॉरी पिपलोन पिपलोन पिपोलियन पिपोलियन गाइस, सॉरी मैं इसका नाम गलत बोलता हूँ हमेशा। तो ये सन एंड मून का पोकेमॉन है और ये फॉक्स पोकेमॉन है अपना एक्स एंड वाई का, और काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, यही चूज़ करना है वैसे तो, पर मैं दिखा देता हूँ कौन से पोकेमॉन है। और चिकुरिटा जोटो का ऑफकोर्स, इसका क्या है? लीफ पोकेमॉन, हाँ फॉक्स पोकेमॉन लेने वाले हैं हम अपना फॉक्सी, इसका नाम फॉक्सी रखते हैं गाइस, मजा आएगी, नाम तो यही सही है बढ़िया। अचानक से गाइस मेरे दिमाग में आ गया नाम ये। चलो एम्बर, एक ही एम्बर में ख़त्म कर दिया, वाह फॉक्सी कमाल कर दिया तुमने तो सच में। अरे थोड़ी बकवास बंद करें ना प्रोफेसर, तो मैं दिखाता हूँ इसकी टाइपिंग क्या है, टाइपिंग गाइस काफ़ी। ओ हाँ नेम तो रखना पड़ेगा मैंने, एक मिनट गाइस। सो गाइस मैं इसका नाम रखना फॉक्सी, और मुझे पता है गाइस स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है पर मुझे नहीं पता गाइस, ठीक है जैसी भी ठीक है काम चल जाता है अपना। तो या प्रोफेसर की बकवास हो गई क्या वैसे, नहीं हुई क्या? सो गाइस प्रोफेसर का एक बेटा है तो हमें उससे बैटल करनी होगी, चलो ठीक है देखते हैं। और इन्फिनेट कैंटीन मिल गई, इससे हम पोकेमॉन को कभी भी लेवल कर सकते हैं और इन्फिनेट है तो कभी ख़त्म भी नहीं होगी, मतलब रेयर कैंडी ही होती है पर इसमें इन्फिनेट है गाइस, काफ़ी मज़ा आएगी। सो गाइस ये रही इन्फिनेट कैंडी और ये मतलब पोकेमॉन को लेवल अप करने के लिए काम आती है, और रेयर कैंडी है वैसे तो पर इन्फिनेट लगा दी यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारी है ना। और मैं अपनी पोकेमॉन की टाइपिंग भी दिखा देता हूँ तुम्हें साथ ही साथ, अपनी फॉक्सी की देखो, ये फायर और मैजिक टाइप है, ऑसम ब्रो मतलब मज़ा ही आ गई। बेसफुल नेचर, बेसफुल नेचर कैसा होता है आई डोंट नो गाइस, वैसे इसके लिए गाइस सही नेचर कौन सा होगा अपने फॉक्स के लिए, अपनी फॉक्सी के लिए तुम मुझे बताना कि इसके लिए बेस्ट नेचर कौन सा होगा, मैं वही वाला कर लूँगा बाद में कभी अगर मौका मिला है तो मुझे। चलो गाइस मैं आ चुका हूँ ब्रैंडन के पास, इससे बैटल करते हैं जल्दी से, और ये बकवास करेगा मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे बैटल करने से मतलब यार मतलब बकवास से कौन सुनता है। और इसके पास है पोपोलियन पिपोलियन जो भी है यार, पिपोलियन है गाइस इसके पास, टेल वेप पढ़ते हैं सबसे पहले तो। ओ ये स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, स्क्रैच ये बॉय बस दो अटैक और ख़त्म है ये तो ईजी पीजी। सच में गाइस इसका डैड थड़की है गाइस, मुझ पर नज़र रखता है, रुकती है गाइस, जो ब्रैंडन का जो डैड है ना वो मुझ पर नज़र रखता है, कितना थड़की है सच में। यहाँ पर कुछ पोकेमॉन मिला, मैं सोच रहा हूँ पकड़ लूँ यार एक बार, पूछिया ना पकड़ लेते हैं, चलो ऐसे पोकेबॉल नहीं है मेरे पास अभी कैसे पकड़ूंगा, पोकेबॉल है ही नहीं, चलो छोड़ो। चलो गाइस जल्दी चलते हैं, ये ब्रैंडन क्या कर रहा है, हटना साइड, बकवास नहीं तो फालतू आदमी टाइम पास करता रहता है जब देखो। वैसे गाइस तुम्हें मतलब मेरे पोकेमॉन की जो गेम प्ले है ना अभी लाल के लिए जो आ रहे हैं जीवी रूम में, अभी जो ये आया है ना ये वाला मतलब जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है, उसमें देखो तुम्हें थोड़ी सी क्वालिटी है ना थोड़ी सी इंप्रूव मिलेगी क्योंकि मैंने इसके मतलब जो टेक्सचर हैं वो चेंज कर दिए हैं इस जीवी के, पहले तो काफ़ी बोरिंग थे और काफ़ी मतलब अजीब सा लगता था वो, और इस बार देखो कितना क्वालिटी मतलब लग रहा है इसमें, काफ़ी अच्छा है, मुझे पता नहीं था इसमें पहले तो इसलिए इसमें वो बेकार से लगा रखा था। पोकेमॉन मिल के हमें, और हाँ इनकी बकवास मैं सुनने वाला नहीं है, बकवास करते रहते हैं जब देखो। मुझे कहाँ जाना है वैसे, मैं सोच रहा हूँ मैं पोकेमॉन पकड़ लूँ सबसे पहले तो। ओ पीडो मिला है मुझे, इसे पकड़ते हैं चलो, डायरेक्ट मैं पोकेमॉन फेंक दूँ क्या? देखो पीडो की हम टाइपिंग यार मैं न्याय से मतलब चेक कर सकता हूँ पोकेमॉन की इन्फो, वाओ मतलब एल बटन दबा के मैं मतलब चेक कर सकता हूँ इनकी इन्फो, और ये देखो इसकी टाइपिंग देखो फ्लाइंग और बोरिंग टाइप, यार ये तो मेरी फेवरेट है, ये तो फेवरेट फेवरेट बनने वाली मेरी, तो मैं इसे पकड़ने वाला हूँ। यप
चलो गाइस इसे पकड़ते हैं जल्दी से, आर बटन दबा के सीधा हम डायरेक्ट पकुल फेंक सकते हैं। ये सिस्टम गाइस काफ़ी बढ़िया है, मतलब इन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया कि इसमें ये डाल दिया, क्योंकि पुराने गेम जो है ना उसमें मतलब पूरा बैग खोलना पड़ता है हमें और वो सब काफ़ी मतलब टाइम लेता है। अभी जो जीबी गेम्स आ रहे हैं उनमें हमें डायरेक्ट मतलब ऑप्शन मिल जाता है कि हम एक ही बटन दबा के सिर्फ पकुल फेंक सकते हैं, बैग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल, तो काफ़ी बढ़िया है मतलब ये। और मैं सोच रहा हूँ इसे भी पकड़ लूँ यार, मतलब इसकी टाइपिंग भी मुझे देखनी है। वो इसकी टाइपिंग हम देख सकते हैं, नॉर्मल और फ्लॉपी, वाओ। तो हम लोग मुझे एक पूछियाना मिला है तो इसकी टाइपिंग भी देख लेते हैं। एंग्री, अच्छा इसे पकड़ना है मुझे, वैसे तो डायरेक्ट पुकिल फेंकते हैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है वरना फिर मुझे बैटल करनी पड़ेगी। प्लीज़ लड़के आ जाए प्लीज़, मेरी पुकिल वैसे बंद करना, वैसे भी नहीं। ओ गाइस उसने मेरे फॉक्सी को मार दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। अफकोर्स मैं नेक्स्ट पुकिल यूज़ करूँगा और इस पर डायरेक्ट पुकिल फेंकने वाला हूँ, कुछ भी हो। क्या बात है गाइस, ये आने वाला, ओ या ऑसम आ ही जाएगा, मतलब एचपी बची कहाँ उसके पास। हे गाइस मुझे एक क्रैबी मिला है, इसकी टाइपिंग भी देख लेते हैं, क्रैब टाइप। क्या बात है, ऑसम। चलो गाइस मैं वैसे पकड़ने वाला नहीं हूँ, वैसे तो मैं बस दिखाने के लिए मतलब दिखा दिया मैंने, मुझे तो वैसे गाड़ी पर चाहिए यार, मिल जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, गाड़ी पर मैं आपको मिलनी चाहिए वैसे तो। मुझे क्या मिल रहा है मुझे, ए क्या बकवास है, ये तो मैंने पकड़ लिया। मुझे एक लोटेट मिला है यार, मुझे इसे पकड़ना है, मतलब सच में काफ़ी बड़े पुकन है और वाटर टाइप भी है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे पास वैसे वाटर टाइप नहीं है, रेंज है इसके पास। ओ बढ़िया, ऑसम गाइस, एकदम बढ़िया एचपी है। चलिए इसे फेंकते हैं पोकेबॉल, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक दो और ये तीन, बैम, यस गाइस बढ़िया। तो गाइस मैं इसका नाम रखने वाला हूँ लोटा, वैसे तो ये नाम मैंने कहीं तक सुना है, मतलब किसी ने तो ये नाम रखा था मतलब पोकेबॉल का अपने लोटेट का, पता नहीं मुझे याद नहीं, शायद से भाई लोग का डेन रखा हो, मुझे याद नहीं गाइस। हमारी पहली ट्रेनर बैटल गाइस, चलो मजा आएगी, लेट्स गो बेबी। सॉरी आई डोंट नो, छोड़ो बाबा। ओके यंगस्टर, अब वो गाड़े पर, सॉरी रॉल्ट यार, मुझे चाहिए रॉल्ट, कहाँ से ली तूने, मुझे पता चली, मुझे भी पकड़नी है, कंफ्यूज। अरे 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 नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो, वाओ ऑसम, पर कंफ्यूज तो हो गया। फॉक्सी अब तेरी बारी, यू कैन डू इट फॉक्सी, आई नो आई, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं करना मुझे इतना, ऐसे मैं एम्बर कर सकता फालतू में ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ओके फॉक्सी बढ़िया, काफ़ी अच्छे से लेवल अप हो गए मेरे पुकन, थैंक यू लड़के, वैसे तूने काफ़ी कम पैसे दिए कंजूस आदमी। चलो गाइस इससे भी लड़ लेते हैं अपना थोड़ा सा, इसका दूसरा पुकन है लोटेट, इसका टाइपिंग क्या है, ओ बोरिंग पॉइजन फ्लाइंग, तीन टाइपिंग, व्हाट इसमें थ्री टाइपिंग पुकन है, ऑसम। अब मैं क्या बोलूँगा इसके अलावा, ऑसम भी बोल सकता हूँ, सच में काफ़ी बढ़िया है, मतलब तीन थ्री टाइपिंग के पुकन सच में ही कमाल है। गाइस मेरे फॉक्सी ने सीखा एल्ड्रेट ब्लास्ट, ये कैसा मूव है गाइस, आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं सुना नहीं है गाइस, मैजिक टाइपिंग का है एल्ड्रेट पिजा, सॉरी ब्लास्ट, एल्ड्रेट ब्लास्ट, एल्ड्रच ब्लास्ट, पता नहीं कैसे बोलते हैं इसे, जो भी है, बट ओ ये साइबीम जैसा कुछ लग रहा है पर ठीक है, मतलब मैजिक टाइपिंग की है कुछ बढ़िया। ओ कंफ्यूज कर दिया इसने, जीवित नहीं कंफ्यूज करने की मुझे, अरे कुछ कर लड़के, मार उसे, कंफ्यूज मत हो, अरे कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ओ सम, चलो कम से कम हरा तो दिया ऐसे हरा दिया, काफ़ी मतलब टाइम लगा मुझे, ऐसे तो इतना टाइम नहीं लगा, बैरिज ले लेते जल्दी से। चलो वैसे हमें ऑरेंज बैरिज वगैरह मिल गई तो काफ़ी बढ़िया, एक और ट्रेनर, कितने ट्रेनर आएंगे यहाँ पर। चलो गाइस इसे फाइनली हरा दिया यार, कितना दिमाग खराब होते हैं ये ट्रेनर्स, चलो अच्छी बात है मेरे लेवल तो हो रहे हैं, मेरे पुकन वीडो वेट लेवल का हो गया, वाओ मुझे जल्दी से जाके अपने पुकन को हील करना है, मेरे पुकन की लगी पड़ी है। कितने कम पैसे दे रहे हैं, कितने कंजूस लोग हैं, तो सच में यार कम से कम 100 रुपये ही दे दो यार, मतलब सच में 60-70 रुपये दे रहे हैं, मतलब इससे क्या होगा मेरा, इसमें तो चॉकलेट भी नहीं आएगी, मतलब आ जाएगी मतलब फिर भी यार कुछ भी, मतलब इतने पैसे कम कौन देता यार, कुछ तो बोल रहा है ये बंदा। इन टाइप ऑफ पोकेमोन ऑल टाइप हैज़ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अगेंस्ट देयर अदर अगेन अदर्स टाइप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पोकेमोन अ बैटल शुड बी ईजी और हार्ड, फॉर एग्जाम्पल योर टॉर्चिक इज अ फायर टाइप इज स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ग्रास टाइप, यार ये क्या बोल रहा है, ग्रास एंड वर्क टाइप ये तो पता है, बट इस वीक अगेंस्ट वाटर टाइप, क्या बकवास की इसने, सर सब कुछ पता तो है मुझे, आना तो फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। डैड मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, आपसे बैटल करने, मैं आपको हरा दूँगी। अफकोर्स यार मतलब मेरे ब्रांडेड सॉरी इनकी तो बेटी है, अफकोर्स इज अ सरप्राइज दैट यू मैन टू गेट यर बाय योर सेल्फ, ओ आई सी यू आर विथ योर पोकेमोन, देन आई गेस यू आर गोइंग टू बिकम अ ट्रेनर लाइक मी, दैट्स ग्रेट न्यूज, आई विल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओ ये क्या है, ये कौन बंदा है, आई एम गोइंग टू गो स्टे विद माई रिलेटिव इन ब्रांड टाउन,
ये क्या लिखा है पता नहीं। आई थॉट आई वुड बी लोनली बाय माई सेल्फ सो आई वॉन्टेड टू टेक अ पोकेमोन अलोंग बट आई नेवर कैच अ पोकेमोन बिफोर आई डोंट नो। हाँ चलो देखते हैं। आई सी रीका यू हेयर दैट राइट। हाँ गो विथ वैली एंड मेक श्योर दैट ही सेफली कैच अ पोकेमोन। अच्छा मुझसे काम करवा रहे हैं। हाँ ना तो ज़िगज़ैगून आई विल गिव यू पोकेबॉल। ऐसे कैसे हैं अंकल जी मतलब सॉरी डैडू मतलब डैड ऐसे कैसे उसको पोकेल ले दी आपने तो मुझे दी नहीं मुझे भी दो यार। ऐसे कैसे डैड है यार मेरे मुझे पोकेल नहीं देते। अरे लड़का जल्दी चल ले। चलो गाइस इसका वाला जल्दी जल्दी करते हैं। रॉल्ट नहीं मुझे चाहिए था लड़के मुझे दे दे रॉल्ट। इसकी तो ऐसी की तैसी रॉल्ट पकड़ रहा है इसने मतलब मुझे चाहिए वो रॉल्ट। अब बहुत हो गया मैं टाइम पास नहीं मतलब बहुत हो गया अब मैं नहीं सुनना मैं जा रहा हूँ सीधा रॉल्ट पकड़ने अपना रॉल्ट रॉल्ट मिल जाए रॉल्ट रॉल्ट। आ बकवास। 2000 years later. Ooh guys finally मिल गया मुझे रॉल्ट मतलब हजारों इनकाउंटर करने के बाद मुझे मिल गया रॉल्ट। ओह यस इसे मैं मार ना दूँ बस मुझे डर लग रहा अभी पूछिया नहीं निकालते अपना। तो गाइस ये मरा तो नहीं मतलब ठीक है मतलब चल जाएगा इतना काम अपना। अब प्लीज़ यार आ जाना प्लीज़ लॉर्ड लॉर्ड रॉल्ट अब रॉल्ट मैं क्या बोल रहा हूँ सॉरी सॉरी मतलब मैं आज थोड़ा पागल हो गया मुझे रॉल्ट मिल गया बस और किसी से मतलब नहीं मुझे। वैसे इसका नाम क्या रखूँ मैं सोच रहा हूँ इसका नाम रख दूँ मॉडर्न मॉडल 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 सॉरी मॉडल इसका नाम मैं रखने वाला हूँ सेक्सी गर्ल। मैं रखने वाला हूँ फॉर एवर तुम्हें क्या लगा मैं क्या रखूँगा इसका नाम। हाँ मतलब सच में कुछ भी सोचते हो तुम लोग। गाइस मैंने अभी तक उसकी टाइपिंग नहीं देखी यार मैं देख लेता हूँ एक बार क्या टाइपिंग है। वैसे कितने सारे बुकन हो गए मुझे कुछ बुकन रखने पड़ेंगे अपनी टीम में सॉरी अपनी पीसी में रखने पड़ेंगे कुछ बुकन। समरी देखते हैं इसकी स्पेस और फेरी टाइप। इसकी टाइपिंग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब तगड़ी लग रही है। स्पेस टाइप क्या होता है मतलब ये कैसी टाइपिंग है आपको पता है। मैं अपनी जर्नी पर जा रही हूँ क्या आपने मतलब मेरे लिए कुछ खाना बनाया क्या। नहीं मम्मी ये क्या बात हुई आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाया मैं अब क्या करूँगी मैं इस अंकल को खा जाऊँ क्या इसका टकला काफ़ी टेस्टी लग रहा है अंकल जी आपका मैं टकला खा जाऊँ। गंदी बच्ची ऐसे नहीं करते। ओ ये कौन आ गया अरे अरे कौन है ये एक्सक्यूज़ मी लेट मी गेस फ्रॉम द वे यू आर ड्रेस आर यू आ पोकेमोन ट्रेनर। बिल्कुल नहीं यार बिल्कुल नहीं कौन है यार पोकेमोन ट्रेनर मैं तो मतलब ऐसे ही मतलब घूम रहा था यहाँ पर। ओ वेल मे बी नॉट योर क्लोथ्स aren't all that dirty हैं। क्या बकवास है इसकी हिम्मत कैसी हुई ये बोल रहा है कि मेरे कपड़े गंदे हैं मतलब इसकी तो मैं गिरा गिरा के मारूंगा इसके चश्मे तोड़ दूंगा मैं। यू आर इधर आ रुकी और ट्रेनर इसकी हिम्मत कैसी हुई मैं इसे गिरा गिरा के मारूंगा तू रुक जा रुक जा तू पिटेगा तू मेरे हाथों से। आई एम रोमिंग द लैंड इन सर्च ऑफ टैलेंटेड ट्रेनर्स अफकोर्स मैं हूँ यार अफकोर्स तू कहाँ जाने की जरूरत नहीं तो मिल गया तुझे टैलेंटेड ट्रेनर सच में मैं ही तो हूँ। आई एम सॉरी टू हैव आर टेकन योर टाइम अरे भाग यार भाग भाग सच में इसकी हिम्मत कैसी हुई मैं इतना टैलेंटेड ट्रेनर हूँ मतलब मुझे देखा भी नहीं उसने। दोबारा कभी मुझे मिल मैं बताता हूँ तुझे कौन है टैलेंटेड गिरा गिरा के मारूँगा इतना आपको कौन से बुकन मिल रहा है मुझे अरे बिल्कुल नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में बाय बाय। लेट्स गो गाइस हम चैलेंज करने वाले जिम लीडर को और ये क्या बात है इसके पास बुकन कौन से होंगे ये काफ़ी तगड़ी तो लग रही है वैसे काफ़ी क्यूट भी है वैसे काफ़ी क्यूट है गाइस। रॉक्सैना कुछ ऐसा नाम है क्यूट डूड वो भी 12 लेवल का ओ माय गॉड बस मतलब मुझसे ज़्यादा है गाइस। उसकी टाइपिंग क्या है व्हाट इसकी टाइपिंग कैसी है